पाकिस्तान जिंदाबाद। आवाज नहीं है, गुड जो। हेलो गाइस, तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं पाकिस्तान इंडिया के दूसरे मैच के ऊपर, जहां पर फिर से बारिश ने रोकथाम कर दी है। तो अभी हम देखते हैं कि यहां पर जो आवाम है उनका क्या रद्द अमल है। ये क्या अच्छा, यहाँ पर मुझे लगे ना कि कैमरे से मैं बाहर जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे आपने ना इशारा कर देना, ठीक है? हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। तो अभी हम यहाँ पर जितने भी ऑडियंस आई हुई है, कुछ जा चुकी है और कुछ है, क्योंकि बारिश की वजह से मामला जो है वो थोड़े से गड़बड़ हैं। तो अभी हम सबसे पहले पूछते हैं कि कौन भाई यहाँ पर आए, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो भाई पहले तो ये बताएं कि आप क्रिकेट के शौकीन हैं? जी बिल्कुल। थोड़ा ऊँचे बताएंगे? हाँ बिल्कुल है, शौकीन। तो अभी क्या कहते हैं कि पहले मैच हुआ फिर बारिश, दूसरा मैच हुआ फिर बारिश, तीसरा फिर मैच हो रहा फिर बारिश हो रही है, इनको चाहिए था वेन्यू चेंज करें, अभी इधर तो बारिश बताई हुई है सब लोगों ने। लो भाई, बारिश का मसला बेसिकली जो है ना, ये हर जगह पर तो नहीं था, लेकिन श्रीलंका में लाजमी चूज किया शायद इसी वजह से कि यहाँ पर बारिश जो है वो बार बार हो रही है। खैर देखते हैं कि अगर मैच स्टार्ट दोबारा होता है तो कौन सी टीम जो है वो जीतने के चांसेस हैं, ये भी भाई बताएंगे। आपका क्या कहना? अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बारिश रुकती है तो फिर ही है, 20 ओवर के बाद बाद पता चलेगा। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान को। अच्छा चलें जनाब, भाई पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, देखते हैं कि आगे मैच में क्या बनता है। तो गाइस हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान इंडिया का मैच दोबारा फिर बारिश की वजह से जो है वो रुक चुका है। अभी देखते हैं कि यहां पर जो लोग हैं उनके क्या तासुरात हैं। तो जी भाई, आपका नाम क्या है? अब्बास अली। अब्बास भाई, आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान का मैच दोबारा फिर रुक चुका है, अगर मैच स्टार्ट होता तो किसके चांस है जीतने के? पाकिस्तान के, आपको भी पता है पाकिस्तान के। यार आप पाकिस्तान के हैं इसलिए आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैं सपोर्ट करने के लिए इंडियन शर्ट पहना है यार, भाई मैं इंडियन शर्ट पहना है। तो लेकिन क्या देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के अलावा अगर ऑथेंटिक बात की जाए तो क्या लगता है कौन जीत सकता है? देखिए फखर बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, अगर 35 ओवर तक वो स्टॉप कर जाता है विकेट पे तो एंड में इफ्तिखार भाई जो है वो बेस्ट फिनिशर है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के चांसेस हैं। चलें भाई, होप तो कि ये बात बिल्कुल सच हो, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या बनता है। सबसे बड़ी बात कि इंडिया वाले दुआ करें कि बारिश स्टार्ट हो गई है, नहीं तो आज हार पक्की थी उनकी। कौन है ये लोग? थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आपका बेस्ट जो प्लेयर है बैट्समैन वो कौन सा है? फखर जमा। तो भाई इनका फखर जमा, अच्छा पहले बाबर आजम नहीं था आपका? नहीं नहीं, मैं खुद ही लेफ्टी हूँ इसलिए फखर जमा है। ओके, तो भाई भी लेफ्टी है मेरी तरह, मैं भी लेफ्टी हूँ। चले खैर आगे चलते हैं, बाकी देखते हैं। थैंक यू जनाब। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. Yeah, इसको थोड़ा छोटा करना, छोटा कर लो। अच्छा सेट कर दिया, बस ठीक है, पाँव में ना लगे उस हिसाब से ना। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. नहीं उतरे करेंगे हम लाजमी। माशाल्लाह बहुत प्यारा मैच चल रहा है जिला रहीमन खान में। चलो भाई ये चाओ चढ़ा हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम उधर भी आएंगे। आ जा रे, प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तरीका है भीख मांगने का? तो भाई सबसे पहले ये है कि हम मैच के दौरान एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के प्लेयर हमारे साथ ऐड हुए हैं जो कि यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। रहीमजर खान के अंदर, और जिन्होंने माशाल्लाह आज जो है वो क्रिकेट की शर्ट भी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी है। हाँ तो जरा भाई से बात करते हैं। तो जी भाई क्या कहते हैं आप पाकिस्तान इंडिया के बारिश वाले मैच के वाले से? इंशाल्लाह अभी तो मुझे लग रहा है जितने भाई आए हुए हैं इन भाइयों की दुआ के सदके इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर करेगा, मैच पाकिस्तान ही जीतेगी अल्लाह के हुक्म से। आपका ये दुनिया ऐसे जो बोल रही है ना कि ये वो, कुछ भी नहीं होगा, जो अल्लाह ने चाहा वही होगा और इंशाल्लाह अल्लाह यही चाहता है कि पाकिस्तान मैच जीते। आप मुझे ये बताएं कि आपका इंडियन बेहतरीन बैट्समैन कौन सा है? कोई भी नहीं है, सब टट्टू हैं।
अच्छा पाकिस्तान बेस्ट बॉलर कौन सा आपका? मेरा तो खैर शाहिन शाह अफरीदी। नसीम शाह के वाले से क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हमारे पाकिस्तान के जियाले हैं। खत्म। अल्लाह उन्हों की सेहत दे, अल्लाह उन्हों को ऐसी कामयाबी तरक्की और अता करे। चलें जनाब, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, बाकी इंशाल्लाह आए नेक्स्ट चलते हैं। Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire। तो गाइस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मैच की जो सूरत हाल है, आवाम काफ़ी जा चुकी है और मजीद आवाम जो है वो शायद अपने शायकीन को बता रही है फ़ोन के ऊपर कि मैच यहाँ पर रुक गया है और हम लोग घर वापस आ रहे हैं, ऐसे ही कुछ है। अच्छा, हम तो यही चाहेंगे कि मैच ड्रॉ हो जाए। ऐसा क्यों चाहेंगे? पाकिस्तान तो हार नहीं रहा था। नहीं, पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान क्यों हारेगा मैच। तो भाई की उम्मीदें बहुत हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, तो मेरा ख्याल है भाई से बैट्समैन पता करते हैं। बारिश ने फिर बचा लिया है आज इंडिया को। अच्छा है, मैं अंधा। बारिश हर बार इंडिया को बचा लेती है, इसका क्या मतलब, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बस यही कहना चाहेंगे कि मैच हो जाए, ये आवाम सारी बैठी हुई है। अगर लगातार पाकिस्तान इंडिया के मैच में बारिश होती रही फिर क्या कहेंगे? एक एक पॉइंट मिलेगा। अच्छा, फिर से एक ही पॉइंट मिलेगा। ओके भाई, अगर दोबारा मैच स्टार्ट नहीं हो पाता तो एक एक पॉइंट मिलेगा, ये भाई का जो है वो राय है। अस्सलाम वालेकुम, क्या है आपका? ठीक ठाक है। नाम क्या आपका? अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद भाई हमारे साथ हैं और ये हमें आप बताएंगे कि पाकिस्तान मैच के इंडिया के हवाले से इनके तासरात क्या थे और अब क्या है बारिश के बाद? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा। बकौल पाकिस्तानी इनका यही राय है कि पाकिस्तान जीत जाए, बाकी देखते हैं कि अथेंटिक न्यूज़ आप क्या कहते हैं, मतलब इंडिया ने 357 का जो है इनको टारगेट दे दिया है, तो क्या ख्याल है पाकिस्तान इतना चेज कर पाएगा? जी, उन्होंने पहले भी कई चार मैचेस में 300 का से ऊपर का वो किया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इंशाल्लाह इस बार भी कोशिश है कि पूरा कर जाए। नहीं, अक्सर वक्त ये होता है कि जब भी कोई वर्ल्ड कप होते हैं, एशिया कप होता है, उसमें पाकिस्तान इंडिया का अगर मुकाबला होता है तो पाकिस्तान मोस्टली हारता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इंशाल्लाह इस बार ऐसा नहीं होगा, ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे पाकिस्तान। चलो भाई देखते हैं कि इस बार जो है ना रिकॉर्ड टूटता है या नहीं टूटता। खैर तो लेकिन ये कि बारिश की वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आगे चलते हैं। Eyes in the sky, gazing far into the night। अच्छा भाई ने जो है वो एक मतलब क्रिकेट सी की तो नहीं, लेकिन ये है कि गेम्स से रिलेटेड ही जो है ना शर्ट पहनी हुई, तो मैंने कहा कि ये भाई इंटरेस्टेड होंगे स्पोर्ट्स में तो इनसे पता करते हैं। तो भाई आपके नज़र में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच अभी हो रहा है, क्या ख्याल है कौन सी टीम जो है वो जीत सकती है? पाकिस्तान जीत गई। क्या वजह है? बस वजह है पाकिस्तान जीतेगी। नहीं मतलब कोई वजह तो होगी ना। थ्री, मेरे ख्याल से लाइव शुरू हो गया दोबारा। अच्छा वो पुराना मैच दिखा रहे हैं, ठीक हो गया। ये तो बहुत पुराना कोई दिखा रहे हैं खैर। अच्छा तो क्या कहते हैं, 357 इंडिया ने चेज करने के लिए दिया है, क्या ये पाकिस्तान कर पाएगी? कर गई। तो भी भाई के तासरात तो ये है कि कर पाएगी, बाकी इनसे साइड वाले से भी पता कर ले, क्या कहते हैं आप? नहीं मुश्किल है। लो भाई ये भाई हमें मिले हैं, पहले ऐसे भाई, ये पहले ऐसे भाई मिलेंगे जो मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि भाई अथेंटिक न्यूज़ ये है कि मुश्किल है कि इंडिया जो है वो हार पाए। नहीं भाई, अभी तो बारिश हो रही है, अभी तो कोई नहीं पता कर सकते ना, अभी तो नहीं बता सकते, अगर बारिश रुक गई तो फिर तो हार ही गया ना। अच्छा इस वाले से क्या कहना चाहेंगे, एशिया में और मैचेस हो रहे हैं, बाकी टीम्स के मैच हो रहे हैं, बाकी किसी भी टीम के मैच में बारिश नहीं हो रही, पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच बारिश, दूसरा मैच बारिश, दूसरा मैच दूसरे दिन फिर बारिश, नहीं ये कोई बेहतरी है? देख बात सही है, कितने शानदार विचार रखते हैं। देखेंगे कोई हो रहा है अल्लाह की तरफ से, कोई ऐसा कोई निज़ाम बनाया हुआ है, अभी तो पता चलेगा ना मैच फाइनल में जाएंगे तो कुछ सिस्टम का पता चलेगा, अभी तो कुछ खेलते हैं मैच तो बारिश हो जाती है। अगर बारिश ही होती रही तो क्या ख्याल है, एक एक पॉइंट दोनों को दे दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल दे दिया जाएगा, अगर बारिश होती रही तो फिर तो पॉइंट एक एक दे दिया जाएगा ना। तो भाई अगर बारिश होती रही तो दोबारा एक एक पॉइंट दे के मामला जो है फिर से बराबर कर दिया जाएगा, जैसा कि ये हुआ कि बाबर जमान
कि कैप्टनसी में 33 मैचेस जो है वो हुए हैं, जिसमें से 22 वो जीते हैं, 10 वो हारे हैं, एक जो है वो उनका टाई हुआ है, और अगर ये आज होता है तो ये दूसरा टाई इनका हो जाएगा। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. नहीं आ रहा भाई, दोनों बहुत मनहूस आ रहे हो। अच्छा मनहूस आ रहे हैं, इधर से देखो। सारे आने चाहिए, बच्चों का दिल ना टूटे। हाँ ओके ओके करो। आज अभी पाकिस्तान इंडिया के मैच देखने के लिए आप लोग जो है वो बंक मार के घर से आए हो। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। Eyes in the sky, gazing far into the night. ठीक है, घर वालों ने कहा होगा कि यार रोटी खा लो, लेकिन आपने कहा नहीं हम पहले मैच देखेंगे। नहीं खा के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा भाई, भाई रोटी खा के आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि शाम तक बारिश होगी, मैच होगा नहीं होगा, जो भी आप इंतजार करेंगे। होएगा मैच तो देखो कल होएगा, आज नहीं होएगा तो नहीं। ये डेली कल ये कोई मतलब मैच हो रहा है या फिर कोई सिंध बोर्ड के पेपर हो रहे हैं कि आज नहीं कल हो जाएंगे, आज नहीं कल हो जाएंगे? गुड जॉब। वो जान पूछ के रखवाते हैं मैच, यूँ तो रखवाते हैं जहाँ बारिश लाजमी हो। अच्छा बारिश बताते हैं तो भाई मैच वहाँ पर होना है जहाँ पर बारिश लाजमी है, इस वजह से इनका ख्याल है कि ये एक साजिश है, मिली सोची समझी साजिश, ऐसे ही कहेंगे। क्यों भाई आप क्या कहोगे? जी जी ये साजिश है। ये भाई वो है जिनके पाकिस्तान इंडिया के मैच की टेंशन की वजह से इन भाई के जो है वो सर के बाल उड़ गए हैं। जी जी क्या कहेंगे बताएं आप? एक एक पॉइंट दे देना चाहिए। बाकी ममालिक में ये होता है कि गर्मियों में बच्चों को एसी लगा के दिया जाता है, पाकिस्तान में टेंट कर दी जाती है। कोई पता नहीं। ऐसे कहेंगे? जी जी कोई पता नहीं, बाजी पलट के। अच्छा चले हम थोड़ा आगे आते हैं। ये भाई ऐसे हैं जो के समझ रहे कि शायद अभी धूप है और इस वजह से अभी तक इन्होंने कैप पहनी हुई है। जी बिल्कुल। अच्छा तो ये बताएं पाकिस्तान इंडिया में से कौन सी टीम जीतेगी? मेरे ख्याल से तो दोनों ही एक एक पॉइंट मिलेगा, मैच तो होना नहीं है। नहीं अगर मैच हो जाता है तो कौन सी टीम जीत सकती है? इंडिया जीतेगी। लो भाई इंडिया जीतेगी, ये भाई ने कह दिया। ऊपर से इन्होंने नीली शर्ट भी पहनी हुई है, ये निशानी है इस चीज़ की कि इंडिया के ये सपोर्टर हैं। ऐसे ही ऊपर से पीली टोपी भी है, ये इंडियन झंडा ऑलमोस्ट इन्होंने पहना हुआ है, तो ये इंडियन सपोर्टर हैं। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. तो भाई हम लोग सारे दुआ चौक के ऊपर इकट्ठे हैं दुआ करने के लिए कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में बारिश खत्म हो और मैच दोबारा शुरू हो और हमें पता चले कि कौन सी टीम जीत सकती है कौन सी। ओ अच्छा भाई दुआ के बीच में आ गए, ये वही भाई हैं जो दुआओं के बीच में आते हैं, जिनको कहते हैं हटाने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ा जाता है। है हमने पढ़ लिया, आ जाए यहाँ पर लिखा है रब्बी शरली सदरी व यसीरली अमरी वहलुल उक्ता तब मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। ये भाई वो हैं। ओके क्लियर है भाई, हम थोड़ा फ्री हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, नाम क्या आपका? आमिर। ये आमिर भाई हैं, यहाँ पर आए थे बेसिकली। ये भाई ने ये सोचा कि यार यहाँ पर रश होगा, लेकिन बारिश ने सिर्फ उनका मजा नहीं बल्कि भाई का कारोबार भी तबाह कर दिया। क्यों ऐसे ही है? ऐसे ही बात है सर, यही अगर रश होता तो मेरा ख्याल है ये दोनों सिलेंडर अभी तक खाली हो चुके होते, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। लेकिन रश ना होने की वजह से भाई अभी इंतजार में है कि बारिश रुके और मैच दोबारा शुरू हो। क्या कहते हैं? ऐसे ही सर। अगर मैच शुरू हो जाता है तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान या इंडिया कौन सी टीम जीत सकती है? इंशाल्लाह हमारी दुआ है पाकिस्तान जीते, और कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो भाई कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है, इंडिया भी जीत सकता है, बाकी ये है कि भाई की दुआ है कि पाकिस्तान ही जीते। पहले भी आप क्रिकेट मैच देखते हैं? जी क्रिकेट मैच पहले भी आप देखते हैं? हाँ जी देखता हूँ पहले भी। अच्छा आमिर भाई पहले भी क्रिकेट मैच देखते हैं? क्या हुआ है? अच्छा आमिर भाई पहले भी क्रिकेट मैच देखते रहे हैं, तो मुझे बताएंगे कि इनका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? हाँ जी आपका फेवरेट प्लेयर बैट्समैन या बॉलर कौन सा है? बैट्समैन फखर जमान है। फखर जमान इनका बेहतरीन जो है वो बैट्समैन प्लेयर है, जो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को जितवा सके। Eyes in the sky,
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. तो गाइज अभी तक बारिश की वजह से मैच स्टार्ट नहीं हो पाया, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए ऑडियंस की जो है वो राय ले रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच बारिश के बाद क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिलते हैं, क्या नाम है, असलम, क्या नाम आपका? नवीद। नवीद भाई के साथ हम लोग मौजूद हैं, तो नवीद भाई बताएंगे कि पाकिस्तान या इंडिया किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई ने अफगानिस्तान कहने लग रहे पहले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पाकिस्तान इंडिया में से भाई अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं? नहीं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते। अच्छा, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। खैर अच्छा, अभी पहले इनके मुंह से थोड़ा सच निकलने लगा था। खैर तो बताएं, पाकिस्तान इंडिया में से फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका? बाबर आजम। बाबर आजम इनका फेवरेट प्लेयर है। खैर वो तो अभी आउट हो चुका है, तो देखते हैं उसके बाद जो है फखर जमान कितनी हद तक जो है वो मैच को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी ये भाई बताएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में से कौन सी टीम जो है वो जीत सकती है? वैसे तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज पोजीशन खराब है। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. पाकिस्तान ने हमें बहुत मायूस किया है भाई, पाकिस्तान ने हमें बहुत मायूस कर दिया है। बस हम जा रहे हैं छोड़ के। चलो भाई, पासपोर्ट फड़ो, चलो। नहीं, अच्छा, हम काफी दूर से आए हैं, अपना काम कार छोड़ के आए हैं, लेकिन आज पाकिस्तान ने मायूस किया, खास तौर पे बाबर आजम ने। भाई बाबर आजम ने अपनी बैटिंग के हवाले से मायूस कर दिया है, लेकिन जो नसीम शाह ने कैच छोड़े उसके वाले से क्या कहेंगे? रुको जरा, सबर करो। नसीम शाह ने कैच छोड़े, नसीम शाह ने तो अच्छी बॉलिंग की है, उसकी बॉलिंग पर कैच छूटे है। नसीम शाह ने एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन राहुल का कैच जो है वो ड्रॉप किया बिल्कुल बाउंड्री के पास। नसीम शाह ने भी किया है, शायद की शाहीन की एक और है, नसीम शाह ने भी ड्रॉप किया है। खैर बस आज फील्डिंग ने तो वाकई मायूस किया, बात आपकी सही है। तो खैर भाई की दुआएं हैं कि पाकिस्तान ही जीते, बाकी लेकिन सपोर्ट इंडिया को करे, ऐसे ही है। नहीं नहीं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी चाचा पड़ा है। हाँ चाचा पड़ा है अभी, लेकिन इस बार चाचा ने बहुत मतलब बॉलिंग में मायूस कर दिया, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, अभी मैच चलेगा इंशाल्लाह, मैच ओपन है, चाचा पड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आवाज नहीं है? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।